हाईकोर्ट द्वारा प्रदेश की नदियों में खनन निकासी बंद करने के आदेश के बाद लालकुआं के आसपास स्थित दो दर्जन से अधिक स्टोन क्रेशरों में जिला प्रशासन व खनन विभाग ने छापेमारी अभियान चलाया, जिसमें आधा दर्जन स्टोन क्रेशरों में अवैध रेता बजरी का भंडारण सहित कई अनियमितताएं पाई गई। विभाग व जिला प्रशासन ने सागर स्टोन क्रेशर, पाल स्टोन क्रेशर, जगदम्बा स्टोन क्रेशर और हिमालय स्टोन क्रेशर सहित कृष्णा स्टोन क्रेशर में भी छापा मारा। सभी क्रेशरों में नापझोक के बाद भारी खामियां पाई गई। क्रेशरों में अवैध भंडारण के चलते जिला प्रशासन ने करोड़ों का जुर्माना लगाया। खनन उप निदेशक राजपाल लेगा व उप जिलाधिकारी एपी वाजपेयी के नेतृत्व में की गई छापेमारी में सभी स्टोन क्रेशरों पर लगभग 3 करोड़ की पेनल्टी डाली गई। खनन विभाग के अनुसार रेता बजरी के ऊपर रेट और अवैध भंडारण की शिकायत के बाद प्रशासन ने इस कार्यवाही को अंजाम दिया। लालकुआं क्षेत्र है हमारा, इसमें विभिन्न स्टोन क्रेशरों के जो स्टॉक्स हैं और एक सागर स्टोन क्रेशर, इसके अलावा पाल हिमालय स्टॉक्स की जांच की गई है और सभी में ये अनुमान्य क्षमता है उससे ज़्यादा भंडारण यहाँ पर पाया गया है। ये हमारे उप निदेशक खान भी हमारे साथ हैं, इसका आकलन कर लिया गया है। अनुमानता 3 से 4 करोड़ के लगभग इसमें जुर्माना किया गया। लालकुआं तहसील के 5 स्टोन क्रेशरों के भंडारण स्थलों पर और एक स्टोन क्रेशर पर छापेमारी की गई, जिसमें 30,000 घनमीटर से अधिक उपखनिज का अवैध भंडारण पाया गया है और लगभग 3 करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया जा रहा है। देवभूमि न्यूज के लिए हल्द्वानी से योगेश दुमका।